हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेस्चाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने क्रिएट किया है ये ग्रीन हाफ कट क्रीज गोल्डन आई लुक। आई होप कि आप लोगों को ये लुक पसंद आएगा। मुझे ये लुक काफ़ी पसंद आया। तो चलें बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर मैंने क्लिप मिस कर दिया है। सो मैं अभी आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि मैंने यहाँ पर आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा ग्रीन आई शेडो प्लेस किया है, देन उसको क्रीज लाइन की ओर ड्रैग किया है। सिंपली आपको आउटर कॉर्नर पर प्लेस करना है आई शेडो को, देन उसको क्रीज लाइन की ओर ड्रैग कर लेना है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, ब्लैक शेड लूँगी और उसको आउटर कॉर्नर पर हल्के सा प्लेस करूँगी। और बहुत कम आपको आई शेडो लेना है, सिर्फ जो आउटर कॉर्नर है उनको डेप्थ देने के लिए। और धीरे धीरे आपको कलर को पिक करना है, फिर उसको प्लेस करना है और अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक लाइटर ग्रीन शेड ले रही हूँ और मैं इसे क्रीज लाइन के जो भी हार्श एजेस हैं उनको ब्लेंड आउट कर लूँगी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं कट क्रीज कर लूँगी, हाफ़ कट क्रीज। मैंने अपने जो इनर कॉर्नर से वहाँ से ब्रश को स्टार्ट किया है, देन हाफ लिड, मिड जो लिड है हमारा आईब्रो का जो बोन पार्ट है वहाँ पर हम इसको लाकर छोड़ देंगे, देन ये हाफ कट क्रीज का एरिया होता है, ठीक है। सो गाइस, फिर से मुझसे क्लिप मिस हो गया है। मैंने जो भी कट क्रीज की थी उस पार्ट पर मैंने गोल्डन शिमर अप्लाई कर दिया है। आपके पास जो भी गोल्डन कलर का शिमर है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं फिर से डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ और जो भी हार्श एजेस हैं उनको ब्लेंड आउट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल ब्रश। नीचे लोअर लैश लाइन पर भी मैं सेम ही ग्रीन कलर को अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्रोडक्ट लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मेक श्योर टू चेक दिस आउट। सेम गोल्डन शिमर जो मैंने अपने क्रीज पर अप्लाई किया था कट क्रीज पर, वही मैं अपने इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई कर दूँगी। थोड़ा सा ब्रो बोन पर अप्लाई कर दूँगी और अभी मैं कर रही हूँ ये नोज़ कॉन्टोरिंग। मैंने एक ब्राउन शेड लिया है आई शेडो पैलेट से और उसी से मैं अपने यहाँ पर नोज़ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। सेम गोल्डन कलर को मैं ब्रिज ऑफ द नोज़ पर अप्लाई कर दूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, और सिंपल सा आईलाइनर मैं यहाँ पर रखूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा विंगी आईलाइनर्स पसंद नहीं है और इस लुक के साथ ये सिंपल लुक लाइनर बहुत अच्छा लगेगा। दोनों ही आईज पर मैंने आईलाइनर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और अब मैं अप्लाई कर लूँगी आईलैशेस। दोनों ही आईज पर मैं फेक आईलैशेस अप्लाई कर लूँगी। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फाइनल लुक। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये लुक आपको पसंद आया या नहीं। नेक्स्ट आप कौन से लुक का वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।